नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और विशेष कार्यक्रम लेकर आपके सामने आ रहा हूं। कोरोना के इस महामारी के दौरान हम आपके सामने बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर जी और तमाम उन व्यक्तित्वों को लेकर आए हैं जो आपके लिए इस वक्त उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो जगत विख्यात है अपने योग के लिए, अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। नासा टू व्यासा नारा जिस संस्था के लिए दिया जाता है उस प्रशांति कुटीरम के मुखिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी के भी योग गुरु है और भारत में जो योगा डे मनाया जाता है उसके चेयरमैन है डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी। स्वागत करते हैं गुरु जी, आपका स्वागत है सुदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार सब भाई बहनों, बहुत धन्यवाद, स्वागतम। गुरु जी, पूरे विश्व में इस महामारी हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं कि उनके पास तो कोई दवाई है नहीं, इलाज नहीं है, भारत में इलाज हो सकता है। और आपने तो विश्व की सबसे बड़ी लैब बना के रखी है, जहां प्रधानमंत्री भी आए थे, उन्होंने इतना समय बिताया और वो भी चौंक गए कि हमारे पास इतनी बड़ा रिसर्च है, वो रिसर्च का इस वक्त क्या उपयोग हो रहा है या हो सकता है? ये बहुत जरूरी है कि ये महामारी सब दुनिया भर में इतने जोरदार से बढ़ रहा है, उसको नियंत्रण करने के लिए, और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने इतने अच्छे ढंग से व्यवस्था किया है कि सब जगह में लॉकिंग करके हमारा अभी तक भारत में सबसे कम डेथ हुआ है और 2650 लोगों का ही उधर सुख हुआ है। और ये बहुत बड़ा देन है, इसके आधुनिक वैदिक दुनिया के अनुसार जो करना है वो हम कर दिया है, अभी भी आगे भी कर रहे हैं। हाँ। परंतु इसके साथ साथ हम यदि योग को इसके साथ जोड़ेंगे तो इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, ये हमारा विचार है। इसके लिए क्या पुरावे है, क्या एविडेंस है, क्या इसका रिसर्च है, इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। बिल्कुल, हम जानते हैं कि पहले हम ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में योग के बारे में हम पूरा से पूरा उधर प्रकाशन किया 1986 में, उसके माध्यम से दुनिया भर में फैल गया योग कैसा ये ब्रोंकाइटिस आस्थमा के लिए अच्छा हो सकता है इसके बारे में। और इसको आगे बढ़ाते हुए हम अलग अलग बीमारियों के लिए योग को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 700 बड़े बड़े जर्नल्स में प्रकाशन हो चुका है। इसलिए हमारा जो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो इधर प्रशांति कुटीरम में है, ये विख्यात है अपने अनुसंधान के लिए। और ये अभी तक जो विश्व में जो प्रकाशन हुआ है उसमें हमारा सबसे बड़ा देन है। तो इसके माध्यम से इस समय में, ये संकट के समय में, महामारी जब बढ़ रहा है, ये समय में भी हम इसको बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं। परंतु लोग पूछते हैं, ठीक है आप तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक आस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, एपिलेप्सी, माइग्रेन, ये सब के लिए काम किया है, परंतु कम्युनिकेशन डिसीज जो होता है ये तो वायरस डिसीज है, इसके लिए कोई काम किया है क्या, ऐसा लोग पूछेंगे। हाँ, हम बताया है कि टीबी के बारे में हम काफी काम किया है, उसमें दिखाया है और उसका पब्लिकेशन भी हुआ है, रेस्पिरोलॉजी है। लेकिन गुरु जी, इस वक्त कोरोना के लिए अगर मैं पूछूं, क्योंकि दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि गुरु जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में एमटेक करके नासा गए थे, लेकिन नासा छोड़कर भारत को बचाना है इसलिए आए। 40 साल से पिछले बड़ा आरोग्य के क्षेत्र में कार्य करे, तो गुरु जी इस वक्त आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस कोरोना को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए कोई फॉर्मुलेशन हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, यही हुआ है। तो इसके लिए हम तीन ढंग का वो इंटीग्रेटेड योगा मॉड्यूल्स बनाया है, 15 साल से कम आयु लोगों के लिए एक, दूसरा 16 साल से 60 साल के लोगों के लिए दूसरा, और 60 साल से भी ज्यादा जो है वृद्ध लोग हैं उसके लिए अलग अलग हम तीन मॉड्यूल्स बनाया है। ये इसको इंटीग्रेटेड योगा मॉड्यूल बोलते हैं, जिसमें आसन है, थोड़ा प्राणायाम है और सब इसमें जोड़ा गया है बहुत अच्छे ढंग से, जैसा आस्थमा के लिए बनाया, टीबी के लिए बनाया, जैसा एचआईवी के लिए हम बनाया उसको दिखाया है, इसी ढंग से इसको भी हम बनाया है। ये सब हमारा वेबसाइट पे मिलेगा 10-15 मिनट का। हम चाहते कि इसके, आजकल सब लोग क्वारंटीन में रहते हैं, लॉकअप रहते हैं, काफी समय है लोगों के पास, आराम से उसको कर सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के पहले और खाने के पहले, शाम को खाने के पहले और रात को एक बार, यदि 10-10 मिनट 15 मिनट करेंगे तो उसका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। और इसी ढंग से हम जो लोग बहुत ये कोरोना से
बहुत व्यस्त है, जैसे हॉस्पिटल्स में है जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो इतने कमजोर है तो अपने बिस्तर से बाहर भी नहीं आ सकते हैं, ऐसे लोगों का कुछ है क्या? ऐसा लोग पूछना शुरू किया। हाँ, इसके लिए भी हम बनाया है, क्योंकि हम अनुभव है कैंसर के जो खतरनाक बीमारी के लोग रहते हैं बहुत सीवियर कंडीशन में, वो बिस्तर से वही वही नहीं आ सकते हैं, ऐसे लोगों का भी हम डेवलप किया। इसी माध्यम से एक स्पेशल मॉड्यूल भी बनाया है जो हॉस्पिटल रहते हुए और बेड के ऊपर सोते भी या लेटते भी उसको भी हम योग से हम करा सकते हैं। इसके लिए एक मॉड्यूल बनाया है, वो भी 10-10 मिनट का है। इस ढंग से हम प्रिवेंशन के लिए, प्रमोशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए ये हम बनाया है और सब जगह में इसको उपयोग करना शुरू किया। हम जानते आप जानते हैं कि इटली में बहुत ज़्यादा बहुत सालों के बहुत दिन के पहले ही शुरुआत हो गया है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बहुत बड़ा कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, उनको भी ये लग गया तो उसको बहुत सीवियर हो गया, वो हॉस्पिटल में चला गया और हॉस्पिटल में उसका पूरा वो ट्रीटमेंट चल रहा था परंतु तो उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए हम उसको योग के माध्यम से उसको कराने के लिए ये मॉड्यूल्स बताया। उसको बताया कम से कम 4 बार करना, वो तो इतना अच्छे थे तो 6 बार 5 बार 8 बार भी रोज में किया और इससे बहुत अच्छा हो गया। उसको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ और 4-5 1 हफ्ते में वो बाहर आ गया और उसका अभी टेस्ट हो गया, नेगेटिव हो गया और सेकंड टाइम टेस्ट होकर उसको भी नेगेटिव हो गया, अभी बाहर उसको छोड़ दिया। तो इसलिए मतलब योगा केवल प्रिएम्प्टिव के लिए नहीं है बल्कि क्यूरेटिव के लिए भी है, ऐसा हम कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो आने के बाद उसको इतना संतुष्ट होकर सब लोगों को, अपने क्लाइंट्स को सब बता रहे हैं, कम से कम 25,000-30,000 लोगों को इन्होंने वो बता दिया है, काफी लोग उसको उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं भारत सरकार इसका उपयोग क्यों नहीं करती। हम तो बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को भी बताया है, तो जेएस उसने बताया है, सेक्रेटरी उसको बताया है कि उसको सब जगह में फैलाना है, ऐसा बताया। पर तो हमारा इंडियन योगा एसोसिएशन है और हमारा संपूर्ण भारत में उसका नेटवर्क है और अलग अलग राष्ट्रों में कम से कम 100 राष्ट्रों में हमारा काम है, सब जगह में इसको फैला रहे हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर्स है, हमारा वॉलंटियर्स है और योगा टीचर्स है, सब लोगों को उसको कराने के लिए हम बताया है। परंतु जैसा बताया गुरुजी, जब दुनिया की एलोपैथी ये कह रही हो कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे स्थिति में भारतीय उपचार पद्धति में इसका इलाज है, आपके पास है, तो हम भारत सरकार ये क्यों नहीं कहती ऑफिशियली दुनिया के सामने आके कि हाँ हजारों लाखों साल से चलने वाली इस मानवीय सभ्यता को हमारे उपचार पद्धति ने बचाया है, ये हमारे पास प्रिएम्प्टिव है, ये क्यूरेटिव है, ये क्यों नहीं हो रहा है? अभी इसके लिए हम बताया है, प्राइम मिनिस्टर को भी सुझाव दिया था और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को बताया इसको फैलाना है, इसलिए सेक्रेटरी ने मुझे बताया, ये सब मॉड्यूल्स हमको भेज दिया है तो हम उसको भेज दिया है और उसको अभी सब जगह में उसको लगाने का प्रयास हो रहा है। तो अपना राजेश कोटेचा है, बहुत अच्छे है, उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी है रंजित कुमार, उसको बताया है, उन्होंने सब मॉड्यूल लेके सब जगह में फैला रहे हैं। इस ढंग से हम उसको उपयोग करना शुरू करेंगे भारत में, उसको अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, मतलब भारत के लोगों को या विश्व के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास प्रिएम्प्टिव मतलब पहले ना हो इसलिए और होता है तो भी बचने के लिए उपाय है, हम ऐसा आश्वस्त कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु उसके साथ साथ हम बहुत जागरूक रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, जो जो हम आइसोलेशन करना है उसको करना ही है, उसके साथ साथ घर में रह के इसको आराम से कर सकते हैं ना सब लोग, ये हमारा विचार है। और दूसरा एक चीज है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने सुंदर रूप से 22 तारीख को शाम को 5 बजे क्लैपिंग करने के लिए उसने बताया था और उससे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। हम क्या करते हैं, इसका हम विश्व में उसका कॉन्शियसनेस फील्ड जो होता है उसको हम मापन करते हैं। इसके लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा जोड़ है और उन्होंने संपूर्ण विश्व में 100 ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है और उसके माध्यम से हम देख सकते हैं क्या हो रहा है विश्व के कॉन्शियसनेस फील्ड में। इसको रैंडम इवेंट जनरेटर बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट का नाम, ये 100 ऐसा रखा है। तो हुआ क्या, 22 तारीख को जब हम सब लोग टैपिंग किया और अपना अच्छा प्रभाव उसमें दिखाया, एकदम उसमें एक ग्राफ में बहुत अच्छा प्रभाव दिखा दिया उधर। तो उसका जो प्रमुख है वो सब एनालिस करता है, उसका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर नेल्सन, श्रोडर नेल्सन, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का, उसके साथ हमारा जोड़ है।
उन्होंने दिखाया देखो इतना अच्छा हो रहा है, इसलिए हमारा प्रधानमंत्री ने फिर और एक बार कल मतलब जो 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने क्लैपिंग करवाया ताली और थाली, उससे विश्व में वातावरण में कुछ सकारात्मक एनर्जी गई है, जिसको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के विभाग ने मापित किया है, नापा है, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, इसी ढंग से जैसे जैसे वेदर के लिए मीटर लगाए हुए हैं कि कहां वेदर है, या पोल्यूशन के लिए मीटर लगाए हुए हैं कि कहां पोल्यूशन का क्या स्तर है, वैसे ही आप कह रहे हैं कि इस पॉजिटिव एनर्जी को काउंट करने के लिए भी मीटर लगे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसी ढंग से कल भी जो होने वाला है तो 9 बजे रविवार को, तो हमने प्राइम मिनिस्टर दूसरा वो बनाया है कि तो दिया से और मोमबत्ती से या टॉर्च लाइट से उसको करना है, इससे भी बहुत पड़ने वाला है। परंतु इसके आगे लेते हुए हम ये भी किया है, क्या होगा, मैं थोड़ा 20 रविवार वाले इवेंट पे आपसे इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ राजनीतिक लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मोमबत्ती लगाने से क्या होगा, हालांकि वो भूल गए कि हमारे यहाँ तो दिया एक तरीके से छोटा सा यज्ञ जैसा होता है, दिवाली पे हम लगाते ही है, अब ईद तो नहीं मना सकते गले लगा के तो दिवाली मना रहे, तो किस दिए लगाने का वैज्ञानिक फॉर्मुलेशन क्या है, क्या फायदा होगा उसपे? मन में जो करते हैं हम सब लोग एक है, 130 करोड़ लोग हमारे भारत के जनता जो है, सब लोग हम बोल के अंदर मन में हम बोलते हैं हमारा एक महान शक्ति है, ये भारत का महान शक्ति है, ये शक्ति से हम ये कोरोना वायरस को हटा सकते हैं, ऐसा हम मन में उसको लगाना है, इसलिए एक सिंक्रोनाइजेशन बन जाता है, ये प्रेयर का विशेष है। तो इसलिए सिर्फ दिया बत्ती लगाने का अंधकार से रोशनी की ओर जाने का विचार है, ये रोशनी में क्या करना है, ये हमारा शक्ति को एकदम सब जगह में फैलाना है, ये शक्ति से होता है, इसलिए कॉन्शियसनेस फील्ड में सकारात्मक उधर प्रभाव भी हो सकता है, उसके द्वारा ये कोरोना वायरस को हम हटा सकते हैं, ये इसका विचार है। बिल्कुल, दर्शकों को मैं अपडेट करूं कि मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं ये साइंटिस्ट है, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं कोई बाबा लोग आते हैं और बोलते हैं उसके पीछे क्या विज्ञान है, ताली थाली इनसे क्या होता है, ये कहने वाले लोग ध्यान रखे कि प्रधानमंत्री ने जो ताली और थाली का भी किया था और रविवार का जो दिए जलाने वाला है, ये कार्यक्रम कैसे वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक तरीके से प्रकृति के लिए सकारात्मक सहयोग करते हैं, ये बताने वाले साइंटिस्ट है। डॉक्टर साहब गुरु जी, इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं कि ये दिए जलाने का और प्रकृति में क्या फायदा होगा? इसके लिए और एक योजना किया है, आप सब जानते हैं शायद कि इंडियन योगा एसोसिएशन हम बनाया है, दिल्ली में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसमें सब हमारे जो प्रमुख योग मास्टर्स है, स्पिरिचुअल मास्टर्स है, सब लोग जुड़ गए हैं, हम स्वामी रामदेव जी है, इस तरफ श्री श्री रविशंकर जी है, उधर जगी वासुदेव जी है, और अपना गायत्री परिवार के प्रमुख है, सब लोग मिलके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर के हम सब लोग एक साथ में काम करने का एक निश्चय लिया है, एक संकल्प लिया है। अभी तक क्या हो रहा था, अलग अलग अपने ओर से बहुत बड़े काम किया है और विश्व भर में वो फैला दिया है, परंतु साथ में सिनर्जाइजेशन करना है, इसलिए इंडियन योगा एसोसिएशन बनाया, इसके माध्यम से हम ये ग्लोबल इसका सिंक्रोनाइज ग्लोबल प्रेयर SGP ऐसा एक प्रोजेक्ट हम बनाया है। ये इसमें क्या है, रोज सुबह 8 बजे या शाम को 6 बजे भारत के टाइम में सब लोग दुनिया भर में ऐसा एक विशेष रूप का ये प्रेयर करना है। पहले जो भी वो प्रेयर कर सकते हैं ठीक है, उसको 10 मिनट 15 मिनट पहले करने दो, जैसा कुछ लोग नमाज करते हैं, कुछ लोग छठ में जाते हैं, कुछ हिंदू करते हैं, त्रयंबक में जा महे बनाते हैं, कुछ लोग गायत्री करते हैं, जो भी करना वो करने दीजिए। उसके बाद बराबर शाम को 6 बजे क्या करना है कि उसको रिलैक्स करके पूरा से पूरा भ्रामरी प्राणायाम करना है, पूरा सांस लेके 5 सेकंड के लिए सांस अंदर, दस सेकंड एक्सहेलेशन भ्रामरी, और ऐसा 27 राउंड्स करना है, इसको 6 मिनट 25 सेकंड होगा, और उसके बाद एक संकल्प करेंगे, ये क्या संकल्प करेंगे, विद कलेक्टिव पावर ऑफ शांति वी विन ओवर कोरोना, हमारा इतना महान शक्ति है विश्व में, ये मन का शक्ति है, इसको जोड़ के हम ये कोरोना का हम हटाएंगे, ऐसा एक संकल्प अंदर से रखना मन में, और उसको 9 बार मन में उसको संकल्प को दोहराना है,
तो इसको पूरा करके उसके बाद खड़े होकर फिर टॉपिंग करेंगे और हम विजय पताका हम कर रहे हैं ऐसा करेंगे। ऐसा सिर्फ 10 मिनट का एक कार्यक्रम और सब दुनिया में उसको फैला रहे हैं, शुरुआत हो गया है रोज सुबह 8 बजे शाम को 6 बजे। जो कर सकते हैं एक बार ठीक है, कम से कम एक बार कीजिए, नहीं तो सुबह शाम को भी कर सकते हैं। इसको पूरा मापन होना शुरू हुआ है, हम चाहते हैं कि सब लोग इसमें भारत में नहीं विश्व में इसको करना है, क्योंकि ये विश्वव्यापी हो गया महामारी, इसके लिए सब जगह में करना है। भारत में जो कर रहे हैं ठीक है बहुत अच्छा, इसके भी प्रभाव होता है, परंतु विश्व भर में इसको करेंगे देखिए कितना बड़ा हो सकता है। तो हम उसको लाइव करेंगे और लोगों को अपील करेंगे कि हमारे साथ टीवी के सामने बैठकर इसको आप करें। हम इसको फैलाना चाहते हैं क्योंकि हमारा खुद का विश्वास है कि प्रार्थना में जबरदस्त शक्ति है। वो लोग क्या जाने जो भगवान को या प्रकृति को मानते नहीं और ना मानने की उनकी स्थिति के कारण खुद घर में आज लॉकडाउन है। गुरु जी आपने साइक्लिक मेडिटेशन आवर्ती ध्यान का इतना बड़ा खोज किया है, उसका कैसे उपयोग हो सकता है इस कोरोना में? इसमें हम इम्यून सिस्टम को जबरदस्त करने के लिए ये विचार है कि क्या करना है। इम्यून सिस्टम तो जब स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, फियर होता है, उसलिए दबा जाता है, इसलिए उसका जो इम्यून सिस्टम का शक्ति जो है कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए तो हम बाहर के ये वायरस अटैक, इन्फेक्शन अटैक से हम व्यस्त हो जाते हैं, उसको बीमारी हो जाता है। यदि हम अपने इम्यून सिस्टम को जबरदस्त रखेंगे और सबल रखेंगे तो ये बाहर से कोई भी उसको हम फेस कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना, डीप रिलैक्सेशन करना है। यदि डीप रिलैक्सेशन करना है तो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा सबल हो सकता है, ये एक विचार है। दूसरा, इम्यून सिस्टम कभी कभी कंफ्यूजन IRT QRT DRT है ना, ये हम उसमें ट्रीटमेंट के लिए जोड़ा है। तो QRT और DRT तो बिस्तर में लेट के भी कर सकते हैं, और क्या बहुत सरल धीरे धीरे प्राणायाम, स्लो डाउन ब्रीदिंग है जी। QRT में आप जानते हैं क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक 3 मिनट का है, तो इसमें पेट के ऊपर हाथ रखे उसको आराम से सांस लेना, आराम से सांस छोड़ना, और सांस लेते समय सब शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, सशक्त बन रहा है, ऐसा विचार करना, और सांस छोड़ते छोड़ते बहुत बड़ा रिलैक्सेशन हो रहा है ऐसा भावना करते हुए उसको करना QRT। इसके लिए 3 मिनट होता है, 9 बार करना है। उसके बाद संपूर्ण शरीर को पैर के उंगली से लेकर सिर तक उसको पूरा से पूरा आराम करना, और ये तो 6 मिनट का प्रोग्राम है, हम इसको लगा सकते हैं, इसी को हम अपने ट्रीटमेंट के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था अपना कार्डियोथोरैसिक सर्जन, उन्होंने इसको उपयोग किया, बहुत बढ़िया उसका फल हुआ, और उसने इतना हो गया। इस ढंग से बहुत लोग इसको लाभान्वित हो रहे हैं उसको उपयोग करने से, जो आप बताए बिल्कुल ठीक है। तो बहुत डीप रिलैक्सेशन, कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, यदि आप 6 घंटे के लिए निद्रा करेंगे उसका फायदा होगा 9%, 9% रिडक्शन इन मेटाबॉलिक रेट होगा है। परंतु यदि इसको सिर्फ 30-35 मिनट के लिए करेंगे उसका मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस बाय 32%। तो इसलिए देखिए 3 गुण से भी ज्यादा हमको विश्रांति मिल जाता है, ऐसे गहराई विश्रांति मिलेगा तो अपने इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे ढंग से सबल हो सकता है। यदि बहुत फियर है, एंग्जाइटी है, ये सब है, इसलिए इम्यून सिस्टम दबा जाता है और कमजोर हो जाता है। इसलिए हम उसको सशक्त बनाना, सशक्त बनाएंगे अपने इम्यून सिस्टम में, इतना बड़ा बड़ा WBC है और नेचुरल किलर सेल्स है, वो सब उसको ठीक कर सकता है। देखिए यदि आप देखेंगे ये नया वायरस जो आया है कोरोना वायरस, ये अलग अलग अभी तक जो वायरस था इससे सबसे बड़ा है, 0.125 micron तक है वो, और WBC तो इससे 100 गुण बड़ा है। हमारे एक CC में कम से कम 3,000 से 7,000 WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स है और NK सेल्स है, ये हमारा जबरदस्त आर्मी है। तो उसको ठीक रखना है और उसको सबल रखना है, और इसलिए आराम से बाहर के कोरोना वायरस को भी वो बाहर हटा सकता है। परंतु तो हम क्या करते हैं, वो डरकर डरपोक होकर इसको हम दबा देते हैं, इसलिए अपना इम्यून सिस्टम भी डर जाता है, ओ कुछ नहीं कर पाएंगे, वायरस आ गया, क्या करें क्या करेंगे ऐसा, और इसे एंग्जाइटी हो जाता है, बहुत इसका जबरदस्त स्ट्रेस बन जाता है।
इसलिए स्ट्रेस बनेगा शरीर पूर्ण शरीर में असंतुलन होकर इम्यून सिस्टम को फिर ज्यादा दबा जाता है। इसलिए इम्यून सिस्टम को सशक्त रखना है, सबल रखना है, ये बहुत जरूरी है। इसको छोड़ के यदि करेंगे आराम से हम बाहर से कोविड को अट्रैक्ट कर देते हैं। दूसरा भी ये अच्छा है, आप देखिए यदि अलग अलग वायरस का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो हमारा कोरोना वायरस है बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, उसको देख के आप पिक्चर देखेंगे बहुत अच्छा लगता है, इतना सुंदर कैसा बनाया वो वायरस। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इम्यून सिस्टम उसको देख के अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट होके ये जो वायरस है ये हमारा दोस्ती है, उसको दोस्ती करना है, इससे आकर्षित हो जाता है। इसको हम योग में बोलते हैं विपर्य बोलते हैं, विपर्य में रॉन्ग नॉलेज। जैसे एक आदमी को जॉन्डिस हो गया, वो सोचता है संपूर्ण दुनिया अभी येलो हो गया, ऐसा सोचते हैं, और बाहर जा रहा है एक शाम को एक रस्सी पड़ा है उसको सर्फ मान जाता है, इसको बोलते हैं विपर्य बोलते हैं। विपर्य एक मन का एक अविद्या का अंश है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय, ऐसा पांच कम है, उसको यदि विपर्य आ गया, इम्यून सिस्टम को विपर्य हो गया, अट्रैक्ट हो गया, और कोरोना का सत्य है हालांकि आ जाओ बहुत अच्छा है मेरे दोस्त है तुमसे मैं प्यार करना चाहता हूँ ऐसा बुला लेते हैं, ये होता है। इसलिए इसको भी हटाना पड़ेगा, इसलिए परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ये योग में कराते हैं, ये विपर्य को अंदर से निकालना है, और इस ढंग से यदि विपर्य का हम निकालेंगे और सबल करेंगे डीप रिलैक्सेशन से, ये महामारी को हम पूरा से पूरा हटा सकते हैं। ये है योग का महत्व। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जल नीति या सूत्र नीति का इसमें क्या उपयोग हो सकता है या इस समय उसको नहीं करना चाहिए। यदि नाक में उसका कुछ तकलीफ हो रहा है, वो हाइपर सेंसिटिव कुछ हो गया, इन्फ्लेमेशन कुछ हो गया है कोरोना से, उससे थोड़ा उसका फायदा हो सकता है, परंतु प्राणायाम से इसके ज्यादा उपयोगी है। हम जो दिखाया है मिनिस्टर दो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में जो पब्लिकेशन किया था योगा फॉर ब्रोंकाइटिस एस्मा, उसमें ये सांस के गति को कम करना और धीरे धीरे अपने जो लंग्स है उसको अच्छा करना, इसके बारे में हम पूरा से पूरा उधर अनुसंधान करके पब्लिकेशन किया है। लाखों लोग आस्मा से मुक्त हो चुके हैं और इसके माध्यम से, इसके लिए हम योग के अभ्यास दिलवाया है। इसके लिए विशेष रूप में एक योगा चेयर ब्रीदिंग बनाया है, इसका 8 स्टेप में होता है। क्या होता है आस्मा लोगों का बहुत ज्यादा हो गया तो क्या करते हैं इनहेलर्स लेते हैं, और इससे फायदा होता है, वो एक इनहेलर ले लिया, उसके लिए कम से कम 14-15 मिनट्स होगा उसका फायदा होने के लिए, ब्रोंकस रिलैक्सेशन होने के लिए। यदि हम योगा चेयर ब्रीदिंग करेंगे तो उसके लिए कुछ इनहेलर नहीं लेंगे, योगा चेयर ब्रीदिंग करेंगे, उसका फायदा इतना होता है कि उसके 12 मिनट में 13 मिनट में उसका इतना ही फायदा हो सकता है। इसके लिए प्रकाशन भी किया है अमेरिका में बहुत अच्छे जर्नल में, उसको प्रकाशन भी किया है। इस ढंग से यदि हम सांस के ऊपर नियंत्रण पाएंगे बहुत अच्छा है, और प्राणायाम बहुत ही अच्छा चीज है, धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे सांस छोड़ना, ये बहुत जरूरी है, और इसको आराम से कभी भी कर सकते हैं। तो सुबह शाम को किसी संग के खाने के बाद, खाने के पहले और सोने के पहले कभी भी किधर भी कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, और वॉकिंग करके कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, ये इसका विशेष है। प्राणायाम बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत अच्छा सबल हो सकता है। गुरुजी कई लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे में उनको ऑफिस में जितना काम करना पड़ता था उससे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, या जो इस वक्त पुलिस है या मेडिकल फील्ड में सेवा देने वाले हैं, हमारे जैसे मीडिया वाले हैं, हम सब लोगों का काम उल्टा ज्यादा बढ़ गया है, तो इन दिनों में हम क्या कर सकते हैं हमारे फायदे का, आप क्या बता सकते हैं? इतने बड़ा सेवा कर रहे हैं आप सब लोग, मीडिया के लोग, पुलिस के लोग और डॉक्टर्स लोग, नर्सिंग लोग, इसलिए हम सब लोगों को हम नमस्कार करते हैं। परंतु आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए हम क्या करना है कि IRT करना है, एक मिनट के लिए है, और दिन में कभी बात कर सकते हैं, खड़े भी कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, समय जगह हो तो बैठ के भी कर सकते हैं, जिधर जिधर होगा। और दूसरा सांस को धीरे धीरे लेना छोड़ना, और इससे बहुत फायदा हो सकता है, स्ट्रेस से हम मुक्त रह सकते हैं। दिन भर क्या होता है बहुत ज्यादा काम होने से तनाव बढ़ जाता है, वो तनाव को कम करना है, इसके लिए हमारा आवर्तन ध्यान जो है बहुत ही अच्छा है। शाम जब आते हैं कभी भी आएंगे, खाने के पहले आधा घंटे के लिए इसको करना, आप भी कर चुके हैं, आप ही उसका फायदा देखा है, और इसीलिए इसको हम उपयोग करते जाएंगे, सब जो तनाव हम जग लिया पूरे दिन में वो सबको हम समाप्त कर सकते हैं। आराम से खाने में नियंत्रण आ जाता है, अच्छा नींद हो सकता है, नींद के प्रमाण भी कम हो सकता है, ऐसा एक आवर्तन ध्यान
तो बहुत ही फायदा होने वाला है। इसको हम करते हैं कि सब लोग उसको अभ्यास करना, शाम को आने के बाद कितना बजे भी खाना हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो भी हो, उसके पहले गुरु जी लेट नहीं खाए तो ज्यादा अच्छा है ना। मतलब आप, मैंने तो शाम को 5:30 बजे खाना शुरू कर दिया, सवेरे 11:30, शाम को 5:30। बहुत वंडरफुल है, उसके पहले आप करेंगे इसको आधे घंटे के लिए, बहुत बढ़िया है। नहीं तो सोने के पहले कीजिए, अब 5:30 हो गया तो उसके बाद 3 घंटा हो जाएगा। सोने के पहले कभी भी सोएंगे 11 बजे 12 बजे, उसके पहले आधा घंटे के लिए करके उसको सो जाना, देखिए कितना उसको फायदा हो सकता है। सब हजारों लोग, लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आवर्तन ध्यान इतना जबरदस्त अच्छा प्रोग्राम है, इसको भी हम जोड़ा है, योगा, चेयर ब्रीदिंग, आवर्तन ध्यान, और तो IRT, QRT, सब बिस्तर में लेट के ये सब उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम MSRT, माइंड साउंडर सेंस टेक्निक, इसको भी हम उपयोग कर रहे हैं। गुरु जी, एक चार्ट आपकी तरफ से भेजा गया है, उसको कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ, ये चार्ट है, ये कुंभ मेला कंपोजिशन 2001, 2010, 2013 और 2019, ये क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? कुंभ मेल में हम उसको पूरा मापन किया, कुंभ मेल में ये सब लोग आते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग में आते हैं, उसका ये कॉन्शियसनेस भी बनता है क्या, इसका फायदा हो सकता है क्या, इसके बारे में हम मापन किया। जब मोबाइल रहा है ना, रैंडम इवेंट जनरेटर, हम भी एक रैग उधर लिए थे और उधर रखे थे, और उसका भी क्या होने वाला है उसको हम मापन किया। हम देखा है कि उसका बहुत ही फायदा हो गया, और विश्व भर में उसका फैला भी हो सकता है, ये हम दिखाया है। इसको हम पेपर में भी पब्लिश किया है और कुंभ मेल में, और पीछे जो कुंभ मेल हुआ था इतना सुव्यवस्थित था, और UP गवर्नमेंट को बहुत बधाई देना चाहिए, इतना सुंदर किया, इतना बढ़िया किया, और इसमें हमारा जो फल मिला उसका जो फायदा हुआ बहुत ही अच्छा था। इसको पूरा मापन किया हम, और उसको भी हम प्रकाशन किया है। तो रेखीय माध्यम से कॉन्शियसनेस फील्ड में जो होता है उसको हम बहुत अच्छे ढंग से मापन कर सकते हैं, ये साइंटिफिक है। सिर्फ बोलना है बहुत अच्छा फायदा होगा, परंतु उसका एविडेंस क्या है पूछते हैं लोग। इसलिए हमारा ये विशेष प्रयत्न है कि उसको मापन करना है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और उसके रिसर्च के द्वारा, अच्छा रिसर्च के द्वारा, और उसको अच्छा पब्लिकेशन करना, ये हमारा ये प्रयत्न हो रहा है। जो रविवार को कार्यक्रम होगा तो उस कार्यक्रम का मापन हम कब बता पाएंगे कि इसमें इस कंपोजिशन में क्या आया? तो मंडे तक हो सकता है शायद, तो उसको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, वो डॉक्टर नेल्सन को बताएंगे, और मंडे मॉर्निंग तक उसका पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, भेज सकते हैं। हम ये दिखाना चाहेंगे, दूसरा गुरु जी, जो आपने सवेरे 6 बजे, रात 8 बजे कहा, ये दो चीजें प्लस जो आसन आपने बताए, आपका कोई दिल्ली का प्रतिनिधि अगर स्टूडियो में आकर बताना चाहे, बता सकता है, तो हम उसकी जाने आने की व्यवस्था करेंगे मीडिया पास पे, जिससे कि वो स्टूडियो तक पहुंच सके, या फिर वो जहां है वहां से हम उसको लाइव लेके आसन करके दिखाए, जो IRT और DRT, ये जो आपने कहा है, तो इन दिनों में इसका उपयोग होगा, तो ये भी व्यवस्था आपकी तरफ से हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत करेंगे, उसका हमारा डॉक्टर रविंद्र आचार्य है, हमारा बहुत सीनियर वर्कर है, आप भी जानते हैं, वो हमारे जोरबाग सेंटर में रहते हैं, तो आप उनको लेके अपने स्टूडियो में करा सकते हैं, नहीं तो आप आकर उसको उधर भी ले सकते हैं, जैसा सुविधा हो सकता है उसके अनुसार। दिल्ली में बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत हमारा सीनियर है, वो सब कुछ जानता है, उसको करा सकते हैं, और दूसरे भी लोग हैं काफी लोग, परंतु मैं सोचता हूँ कोई डॉक्टर रविंद्र आचार्य को ले लीजिए। ठीक है, तो गुरु जी आपने समय निकाला, हमको आधा घंटा इस इतने बिजी शेड्यूल से दिया, हम आपके आभारी है। हम चाहेंगे कि इन बचे हुए दिनों में जब तक लोग घर में हैं, आप और भी हमको समय दे, हम आपको दोबारा ला सके और लोगों का मार्गदर्शन हो सके। जरूर जरूर, जो भी चाहिए मैं आपके साथ हूँ। सुदर्शन टीवी इतना बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और हमारा संस्कृति को सब जगह में बढ़ाने के लिए इतना जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड, इतना अच्छा लगता है मुझे आपके साथ अपने सुदर्शन टीवी को सब जगह में फैलाने के लिए, और ये काम लीजिए, और STP का, और सब जगह में दुनिया भर में उसको हम प्रयास करेंगे, कॉन्शियसनेस फील्ड को सकारात्मक रूप देंगे, और इसके माध्यम से महामारी को विश्व से हटाना है, यही करना चाहिए। इसलिए हमारा मनोशक्ति सब लोग जोड़ दिया, कितना होगा, प्राइम मिनिस्टर जो बताया ना, इतना सुंदर रूप से बताया कि हम 130 करोड़ लोग यदि मनोशक्ति को उपयोग करेंगे, जो भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, चैलेंज को हम मीट कर सकते हैं, इतने सुंदर से बताया, ये हमारा विश्वास है,
योग के माध्यम से इसको हो सकता है और बहुत सरल अभ्यास है, इसको करते जाएंगे बनेगा तो आपका जो सुदर्शन टीवी इसमें पूरा से पूरा लेकर कर सकते हैं। इसलिए इंडियन योगा एसोसिएशन से मैं ये भी बोल रहा हूँ कि हमारे जो गवर्निंग काउंसिल के सब बड़े बड़े लोग हैं उसको भी साथ जो के एक अच्छा एक हम बड़ा कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करते हैं, वीडियो कॉल में सबको एक साथ लेते हैं। बाबा रामदेव जी भी यहाँ आए थे, श्री श्री भी आए थे, जिनके नाम आपने लिए उनमें से काफी लोग आ चुके हैं। तो अब ये पूरी काउंसिल को अपन एक साथ लेकर हिंदुस्तान का धैर्य बांधते हैं, उनके मन में आत्मविश्वास पैदा करते हैं कि डरिए मत, हमारे पास हो विद्या, हमारे पास हो कला, हमारे पास हो सब कुछ है जो केवल ना हिंदुस्तान को बल्कि विश्व को बचा सकता है। गुरु जी आपने समय दिया कार्यक्रम में, इसके लिए आपका धन्यवाद। मित्रों दर्शकों, हमने आपके सामने विश्व के एक ऐसे विश्व विख्यात वैज्ञानिक को लाया था जो वैज्ञानिक ने अपना पूरा जीवन भारतीय विज्ञान को, खास करके स्वास्थ्य से संबंधित जो योग है या आयुष्य संबंधी सारी विधा है, यहाँ तक कि गुरु जी ने पिछले दिनों बेंगलोर में हिंदुस्तान में जिन विधाओं का नाम नहीं है लेकिन कोई आरोग्य के लिए हितकारक है ऐसे सारे लोगों को बुलाया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी गए थे। तो मैं दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, नमस्कार, सब लोगों को बधाई।